देखो मार्केट में ना आज की डेट में चारों तरफ ऑफ कोर्स वी आर सराउंडेड बाय आवर स्मार्टफोन्स, और ऐसे में स्मार्ट वॉचेस ये सब भी ना बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। बट जो आपको मार्केट में मिल रही हैं वॉचेस, क्या वो सभी स्मार्ट हैं? क्या वो सभी जो है वो एडवांस्ड फीचर्स लेके आती हैं, या केवल नाम के लिए स्मार्ट हैं और फंक्शनैलिटी के अंदर कई बार पंगा हो जाता है? आज आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपसे बात करने वाला हूं LTE वाली स्मार्ट वॉच के बारे में, जहां पे फंक्शनैलिटी भैया नेक्स्ट लेवल निकल जाएगी और आप वॉच से एक्चुअल में स्मार्ट काम कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो स्मार्ट वॉचेस के साथ में जो मेरा रिश्ता है ना वो बहुत पुराना है। मतलब अगर आप अभी भी जाके चैनल पे मेरा पहला वीडियो देखेंगे ना, जो मैंने 2015 में रिकॉर्ड किया था, उस टाइम पे मेरे हाथ में थी सैमसंग की एक स्मार्ट वॉच, विच वॉज सैमसंग गैलेक्सी गियर। और वो स्मार्ट वॉच थी जहाँ पे स्ट्रैप के अंदर यहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ था, और काफ़ी हाईटेक स्मार्ट वॉच थी जो कि सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 3 के साथ में उसको लॉन्च किया था। इवेंचुअली आज अगर आप देखो अभी करंट टाइम में आपको चारों तरफ बहुत सारी स्मार्ट वॉच मिल जाती है। मतलब भैया कहने को तो 1500 की स्मार्ट वॉच है और कहने को 50,000 की भी आती है। तो आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है, या आपका किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है व्हेन यू मेक अ डिसीजन ऑफ बाइंग अ स्मार्ट वॉच, आपको थोड़ा सा मैं इसी के बारे में बताता हूं। तो देखो हम ना मेनली स्मार्ट वॉचेस को कैटेगराइज करते हैं दो अलग अलग सेक्शंस में। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ की फंक्शनैलिटी कैसी है उस वॉच की, तो हमारे पास में दो अलग अलग सेक्शंस बन जाते हैं। पहली स्मार्ट वॉचेस तो मैं वो बोलूंगा जो कि नॉर्मली मार्केट में 1500, 2000, 5000, 7000 रुपए की आपको मिल जाएंगी अलग अलग ब्रांड्स की, और वहां पे ना जो एप्स हैं या जो चीजें हैं जो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, बस आप उतना ही यूज कर सकते हैं। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी ऐप या नो फॉर यू टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट स्मार्ट वॉच, वो आप नहीं कर सकते हैं। टेक्निकली बोलूं तो वो आप समझ लो कि एक स्मार्ट बैंड है, बस वो स्मार्ट वॉच की शेप में आपको लग रहा है कि हाँ भैया एक घड़ी है, बट जो फंक्शनैलिटी है बेसिक आपका कुछ ट्रैकिंग वगैरह करके वो एक स्मार्ट बैंड काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं दूसरे साइड में, तो देन वी हैव वॉचेस लाइक फॉर एग्जांपल सैमसंग की जो गैलेक्सी वॉच लाइनअप है वो है, या एप्पल वॉच है फॉर एग्जांपल, जहां पे यू हैव अ प्रॉपर काइंड ऑफ ऑप्शन टू इंस्टॉल योर एप्स, टू काइंड ऑफ कस्टमाइज द वे यू वांट योर स्मार्ट वॉच टू बी, जहां पे आपको एक प्रॉपर ओएस मिल रहा है और वहां पे फंक्शनैलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। जो दूसरा यहां पे क्लासिफिकेशन है वो मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। एक तरफ आपको जो वॉचेस मिलती हैं जहां पे आपको केवल ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके स्मार्टफोन के साथ डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग। अगर आपका फोन पेयर्ड नहीं है तो वॉच में फिर आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन स्मार्टफोन कनेक्शन वाया ब्लूटूथ। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमारे पास में आती है एडवांस्ड वॉचेस, जहां पे हमको ऑप्शन मिल जाता है LTE का, 4G का। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं, फॉर एग्जांपल दिस वॉच आई एम वेयरिंग राइट नाउ द सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 प्रो, ये LTE वाली वॉच है। और आज हमारा मेन फोकस इसी में है कि भाई क्या डिफरेंस निकलता है जब आप यूज करते हो एक LTE वाली स्मार्ट वॉच। मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती है कई बार, तो मोबाइल फोन आप घर छोड़ के निकलो बाहर, स्टिल यू आर कनेक्टेड ऑल द वे। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। एक चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ चुकी है कि भाई देखो मोबाइल फोन जो है ना वो हमारा मेन गैजेट है, मेन हमारा प्रोडक्ट, को हमको साथ में रखना ही पड़ेगा। हाँ, स्मार्ट वॉच अगर हम हमारे हाथ में बांधते हैं ना तो कुछ कुछ काम हम स्मार्ट वॉच पे कर पाएंगे। देखो यार ये ना काफी हद तक सच है, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच की विद LTE कनेक्टिविटी, भाई यू कैन डू मच मच मोर डायरेक्टली ऑन योर वॉच इवन विदाउट योर फोन। मतलब यहाँ पे पता है कंसेप्ट क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट इज कि आपके पास में लेट्स से एक सिम है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, मतलब जो भी आप अपने फोन में सिम यूज कर रहे हो, आप बड़े आराम से वन क्लिक से बेसिकली, क्योंकि आपकी स्मार्ट वॉच जो है LTE वाली उसमें ई सिम का ऑप्शन होता है, आप अपनी स्मार्ट वॉच में सेम नंबर को एज एन ई सिम सेटअप करते हो। बड़ा इजी है, दो क्लिक में हो जाता है। और मजे की बात अभी तो ऐसी है कि इंडिया में ये सब करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी ऑपरेटर आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता, जबकि बाहर कंट्रीज में पर मंथ पैसा देना पड़ता है अगर आपको ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए हो। तो आपने ये सेटअप कर लिया, अब सेम नंबर सेम आपकी वॉच में आ गया। अब क्योंकि आपकी वॉच स्टैंड अलोन काम करती है, तो आपकी वॉच जो है भैया वो 4G सिग्नल्स पकड़ेगी और उसको जो डेटा चाहिए वो सीधा खुद से फेच करेगी बिना आपके फोन के। तो अगर आपने साथ में पेयर करके काम करना है, वो
इट्स फाइन, बट सिनेरियोज लाइक कि इमेजिन कि आपको बाहर जाना है फॉर अ रन. अब अगर आप जा रहे हो बाहर रनिंग करने के लिए तो इट्स काइंड ऑफ यू नो अ हैसल कि आपको अपना फ़ोन साथ में कैरी करना पड़े. तो आप कॉन्फिडेंटली अपना फ़ोन घर छोड़ के बाहर जाओ, दौड़ के आओ, आपके अब नो घड़ी आपने पहनी है, आपको कुछ भी करना है ना, ऑल द थिंग्स यू कैन डू डायरेक्टली फ्रॉम द वॉच. फॉर एग्जांपल आपको अगर नेविगेशन यूज करना है यू कैन डू इट इजीली स्टैंड अलोन बिकॉज 4G है, डेटा आपको वॉच में मिल रहा है. अगर आपको फॉर एग्जांपल ब्राउजर यूज करना है यू कैन डू दैट. इनफैक्ट घड़ी में यूट्यूब चलता है, मैच वगैरह भी चलते हैं, मतलब यू कैन डू एवरीथिंग यू वॉन्ट. इसके अलावा लेट्स से कि आप अगर इमरजेंसी में आपको कोई कॉल लगाना है, आपको सीधा आपका जो नंबर पे कॉल कर रहा है आपके वॉच में घंटी बज रही है, आप उठा रहे हो बिना आपके फोन के, फोन घर में रखा है आपने, बिकॉज कनेक्टिविटी इज लिमिटलेस. तो ये सारे जो एडवांटेजेस है ना वो हमको मिल जाते हैं एक कनेक्टेड वॉच में जो कि 4G पे चलती है. और यहां पे फिर चीजें और एडवांस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वॉचेज में हमको मिल जाता है फॉल डिटेक्शन. अब मान लो कि आपके भैया फोन की बैटरी लो है, फोन ऑफ हो चुका है, या फोन आपके पास में है ही नहीं, और अगर वॉच ने डिटेक्ट किया कि भाई यू नो यूजर गिर गया है, तो जब वो इमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल लगाएगा उसके लिए कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना. बट इवन विदाउट फोन इन अ LTE वॉच दिस इज ऑल अचीवेबल. तो यार ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं. एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फोन एनीमोर. आप स्टैंड अलोन इस वॉच को एक छोटू फोन की तरह काम में ले सकते हो बड़े आराम से. तो गाइस मतलब केवल समराइज करते हुए अगर आपको बताऊंगा ना तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में स्मार्ट वॉच होती क्या है. बिकॉज आज की डेट में आप देखोगे बहुत लोगों की कलाइयों में आपको एक स्मार्ट वॉच दिख जाती है, बट क्या वो वाकई में स्मार्ट वॉच है या केवल एक फिटनेस बैंड है. मतलब अगर आपको एक ट्रू स्मार्ट वॉच चाहिए तो मेरे ख्याल से इट हैज टू बी कनेक्टेड. इट हैज टू बी द वन जहां पे आपके पास में ऑप्शन हो कि आप अपनी फेवरेट एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग यू वांट. एंड मजे की बात ना इसका एक एडवांटेज है यार कि मतलब देखो फोन जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए. मतलब यू नो फोन है अगर जेब में तो भैया आप उसको यूज करोगे ही, स्क्रोल करते जाओगे करते जाओगे, कितना टाइम वेस्ट कर दोगे. तो बेस्ट ये होता है टाइम्स फोन को भैया रखो साइड में. आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, LTE वाली वॉच है, कॉल वॉल आएंगी फर्स्ट क्लास, व्हाट्सएप आएगा, कोई टेंशन नहीं है. तो मतलब आपका फोन अगर आपके पास में नहीं भी है यू कैन एंजॉय दैट टाइम. आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो एट द सेम टाइम यू आर कनेक्टेड. इफ इन केस समवन वांट्स टू रीच आउट टू यू, अगर आपको किसी कॉल लगाना है तो आप लगा सकते हो. और मतलब कितनी खुशी की बात है ना, आपको वॉच में यहाँ पे जो VOLTE लिखा हुआ मिलता है, जो ये डंडे आते हैं नेटवर्क के, मतलब इट्स क्लियरली यू नो शोइंग यू कि कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी जो है कनेक्टिविटी के थ्रू काम करती है. अब यहाँ पे ना फन फैक्ट, एक सैमसंग ने मेरे को बताया रिगार्डिंग देयर लाइनअप. मतलब देखो हमारे पास में एप्पल वॉच भी है जहाँ पे हमको LTE के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट देन एप्पल वॉच इज लिमिटेड टू ओनली आईफोन यूजर. सैमसंग की जो वॉचेज हैं ये 100% कंपैटिबल है एंड्रॉइड फोन्स के साथ में, और जो लाइनअप है वो बहुत बड़ा है. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम गैलेक्सी वॉच 4, वॉच 4 क्लासिक, वॉच 5, वॉच 5 प्रो, मतलब बहुत सारे अलग अलग साइजेस में वी हैव मल्टीपल मॉडल्स एंड द स्टार्टिंग प्राइस इज जस्ट 15,990 रुपीज फॉर एन LTE वॉच, विच इज अमेजिंग यार. कि मतलब हमारी वॉच में हमको 4G मिल रहा है, अगर हमको ये फंक्शन मिल जाएगा तो वी कैन डेफिनेटली अचीव यू नो मल्टीपल थिंग्स ऑन द फ्लाई. कितना यार सोचो ना, मतलब कमाल बात है कि फोन आपके पास में है ही नहीं और आप यहाँ पे YouTube देख रहे हो घड़ी में, डेटा मिल रहा है आपको और यहाँ पे ब्राउजर में आपका YouTube चल रहा है. मतलब ये हमने कहाँ सोचा था, बट नाउ इट्स ऑल अचीवेबल ऑल थैंक्स टू द पावर ऑफ LTE. तो गाइस वैसे आप बताओ कि क्या आप एक स्मार्ट वॉच यूज करते हो या आप प्लान कर रहे हो यूज करने का. अगर कर रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि विच यू नो स्मार्ट वॉच टू बाय. मल्टीपल ऑप्शन अगेन, एज अ सेड मैं यूज कर रहा हूँ बहुत पहले से स्मार्ट वॉचेज, और मेरे ख्याल से स्मार्ट वॉच वो होनी चाहिए कि आप स्टैंड अलोन भी और अदरवाइज भी फोन को बिना जेब से बाहर निकाले यहाँ पे काम तो कर पाओ. अगर कोई आपको मैसेज आया उसको आप रिप्लाई तो कर पाओ, यहीं का यहीं कॉल आया तो आप सीधा यहाँ से उठा तो लो, डायल करना है सीधा आप डायल तो कर लो, रदर देन कि बस दिख तो रहा है लेकिन फिर काम आपको सारा फोन से ही करना है, फिर वो किस बात की स्मार्ट वॉच है यार. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. लाइक शेयर करते हुए नीचे कॉमेंट करना मत भूलना. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.